सो हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोना शो यू माय रूम। और ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपको ब्लॉग का एलिमेंट फील होगा एंड कुछ चीज़ें हैं विच आई विल शेयर विथ यू इन बिटवीन द वीडियो। तो चलो पहले रूम देखते हैं। यार रूम साफ करनी होती है, शर्ट नहीं किया। सो दिस इज आफ्टर क्लीनिंग। सो यार दिस इज द इंटायर रूम एंड दिस इज द होल रूम एंड ये पूरा रूम सिर्फ एक फ्रेम में आ जाता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, देर इज नॉट मच टू शो यू, जो है सो यही है। बट आई हैव फ्यू स्टोरीज अबाउट दिस रूम। सो इस रूम में रहते हुए मेरे को एक साल हो चुके हैं एंड दिस इज अ टाइम टू लीव दिस रूम। अब ये रूम ग्राउंड फ्लोर पे था, अब अपन फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। सो फाइनली गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है इस रूम को। और अभी ये रूम टूर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई एम लीविंग फ्रॉम माई होम ऑन 13th of July। आज 11th July की रात है जब ये वीडियो शूट हो रही है। ये बैग इसलिए इधर है एंड यहाँ पे एक स्टोरी है दैट कि मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया कि आई एम कमिंग। दे स्टिल डोंट नो, उनको लगता है कि मैं नहीं आने वाला हूँ बिकॉज मैंने उनको बोला था कि मेरे को कुछ काम है एंड मेरे को कुछ काम था एक्चुअल में। बट अभी देर इज अ सरप्राइज उनके लिए कि मैं सडनली जाने वाला हूँ, तो अलग एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अभी जाने से पहले इस रूम का जो भी सामान है ना, इनको पैक करके रखना होगा फॉर शिफ्टिंग दूसरे रूम में। तो ये सब कुछ जो अभी दिख रहा है ना, ये सब कुछ शिफ्ट होने वाला है। ये बेड गद्दे एंड सब कुछ ही हटाना होगा। नाउ एडिशनली वी हैव दिस अलमीरा यहाँ पे, एक कबर्ड। रुक जाओ, इधर से। यप, सो यप, दिस इज द कबर्ड एंड यहाँ पे एक मैंने नोट लगा रखा है। सो दिस बेसिकली गिव्स मी द स्ट्रेंथ जिम जाने का, तो ये इंस्पायर बहुत करता है मेरे को। नाउ शोइंग यू द कबर्ड। तो इसमें सारा सामान मेरा ही है बिकॉज मेरा रूममेट कबर्ड में कुछ रखता नहीं है। सो यू कैन सी यहाँ पे बेसिक ग्रूमिंग आइटम्स हैं, इज माई ट्राईपॉड, बाकी फ्यू क्लोथ्स, एक प्रोटीन बार। ये सेक्शन आई एम नॉट गोना टेल बिकॉज ये पूरा मेस्ड अप है। यहाँ पे अगेन कुछ बाहर जाने के कपड़े। यहाँ पे यू कैन सी द चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगैनो। यार यू गाइज नो कि हॉस्टल का खाना कैसा होता है, सो दीज आर द लाइफ सेवर थिंग्स अभी जो मतलब तुम रखते हो ऐसे इन जनरल। शोइंग यू दिस प्लेस, यहाँ पे यू कैन पुट योर सम रैंडम अननेसेसरी स्टफ, जैसे मैंने कार्डबोर्ड्स रखे हैं। हियर इज अ वाइट बोर्ड जिसपे मेरा एक प्रोजेक्ट है, यू गाइज विल सूनर गेट टू नो। यहाँ पे गौरव भाई जो शूट कर रहे थे एंड दिस इज माई बेड। यहाँ पे ये एडिशनली वुडन का स्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ पे यू कैन पुट योर स्टफ। तो मेरा केटल है, मेरा रिंग लाइट रखा है एंड फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स। दिस इज अगेन अटैचेबल लाइक अटैच्ड वुडन टेबल जो कि अटैच होता है पहले से ही। यहाँ पर सम बुक्स आई हैव पुट इन एंड बाकी नॉर्मल स्टफ। ये मेरे रूममेट का बेड है, उसका लैपटॉप, दिस माई लैपटॉप। तो मोस्टली काम बेड पे बैठ के ही होता है ऐसे लैपटॉप पे। के पिलोज, एक एडिशनली यहाँ पे चेयर है विच इज पता नहीं मतलब कहीं से तो उठा के लाया था मैं। एंड दिस इज द प्रोटीन। अभी जब मैं एक महीने से जा नहीं रहा हूँ तो आई एम नॉट हैविंग इट। सो मेनली दीज आर द थिंग्स विच आई हैव इन माई रूम। यहाँ पे एक अगेन एक हैंगर है फॉर योर क्लोथ्स, अगेन द वाइट बोर्ड, दिस साइड माई रूममेट साइड, अगेन उसका बेड। सो यप, दीज आर द थिंग्स विच यू गेट इन IIT बॉम्बे के H9 के रूम में। इज द फैन, दो ट्यूबलाइट्स होते हैं अगेन एंड नथिंग मच, लाइक दिस इज द कम्प्लीट रूम इंक्लूडिंग गौरव भाई। सो यप, दिस इज द एंटायर रूम एंड काफ़ी छोटा रूम होता है यार H9 में। बट अगेन वही चीज़ है कि यहाँ पे जो मेमोरीज विल क्रिएट ना, वो बहुत बड़ी होती है। एंड रूम छोटे होते हैं बट जो विंग होती है, जो बॉन्डिंग हो जाती है, तो जो मोमेंट्स यहाँ पे बनते हैं विल चेरिश देम आफ्टर कॉलेज ऑल्सो। तो मैंने सब कुछ दिखा दिया आपको, देर इज नथिंग लेफ्ट। मे बी दिस वाटर बॉटल, एक स्टोरी है इस वाटर बॉटल के साथ एसोसिएटेड, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर थिंग। बट होता क्या था कि इनिशियली आई एम हैविंग दिस वाटर बॉटल, तो ये लाइक 800 ml का बॉटल है, तो मैं पानी बहुत कम पी रहा था। तो आई हैव लाइक गॉट इन टू सम मेडिकल कंडीशन, तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि यार पानी पिया कर थोड़ा। तो वट आई डिड कि मैं बहुत लेजी हूँ पानी फिल करने के लिए, तो मैंने 2 liter का बॉटल ले आया। तो ह्यूमन रिक्वायरमेंट इज अराउंड 3-4 liters, तो दिस इज 2 liter बॉटल। तो इसको मैं दिन में बस 2 बार भरता हूँ एंड ये मेरे पूरे दिन का सप्लाई करता है। सो यार इट्स अ हैक, अगर तुम कॉलेज में हो तो ये करो यार, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कुछ मेडिकल कंडीशन होती है तब हमें समझ आता है, इसलिए बेटर है कि अभी कर लो। सो एक 2 liter की बॉटल में इन्वेस्ट करो, इसके रिटर्न तुम्हें पूरी लाइफ मिलने वाला है। यार दिस इज द स्टोरी। और
लास्ट थिंग इज कि अगर इफ यू आर स्टिल हैविंग दिस क्वेश्चंस, क्या रूम तो बहुत छोटे होते हैं यार, आईटी बॉम्बे इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, बट यू गाइज हैव स्टिल दी स्मॉल रूम्स. तो अगेन यार मेरी नानी कहती है लाइक, मैं जब आया था यहाँ पे फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर, मेरे को 10 months हो गए अराउंड, तो मैंने अपने घर वालों को बताया था यार कि मेरे रूम्स बहुत छोटे हैं, आई शो देम ऑन वीडियो कॉल. सो जब मैंने उनको अपना रूम दिखाया वीडियो कॉल पे, तो दे आर लाइक कि, एंड आई वॉज लाइक क्रिबिंग अबाउट इट कि यार बहुत छोटा रूम होता है एंड यही है, इसमें दो लोग रह रहे हैं. तो मैं नानी सेड वन लाइन टू मी, मतलब उन्होंने ये चीज़ मेरे को बताई कि यार अभी तू बोल रहा है ये छोटा रूम है, बट तेरे को आइडिया नहीं है कि यहाँ से इस छोटे रूम से कैसे कैसे लोग निकले हैं. तो दैट्स वेरी ट्रू यार, ये रूम डजेंट डिफाइन यू कि क्या है, यहाँ पे भी तो अपने सारे काम कर सकते हो, यू आर गेटिंग अ स्पेस टू लिव, मैं यही बोल सकता हूँ. एंड इट्स अ फाइन प्लेस यार, एंड इट्स इवन द थिंग इज कि तुम रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं करते हो, तुम पूरा टाइम लेक्चर हॉल में होते हो, लाइब्रेरी में होते हो, या रीडिंग हॉल होता है, तो तुम कहीं बाहर ही होते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो या कुछ करते हो. बहुत कम टाइम होता है जो तुम रूम में स्पेंड करते हो. बहुत बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ सोने के लिए आते हैं. तो आई थिंक कि फॉर दोज पर्पसेज इट्स राइट, बट हाँ अगर तुम्हें स्टिल लगता है कि ये रूम छोटे हैं, तो दे आर अदर रूम्स भी हैं, मतलब हॉस्टल्स हैं. ये एक रैंडम प्रिडिक्शन, मतलब एक रैंडम चीज़ होती है जहाँ पे तुम्हें अपने रूम्स अलॉट होते हैं, हॉस्टल्स अलॉट होती है. दे आर 5 हॉस्टल्स, पेरेंट हॉस्टल्स, उनमें से अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो तुम्हें S2 या S3 मिल जाएगा, जैसे गौरव भाई को मिला है. बट हाँ, बट वेरी फ्रैंकली ये हॉस्टल भी काफ़ी प्यारे होते हैं, ये बाद में तुम रियलाइज़ करते हो जब तुम्हारी मेमोरीज बिल्ड हो जाती है. तो या अगर तुम IIT आने वाले हो एंड इफ़ यू गेट दिस H9 का हॉस्टल रूम, तो भाई बहुत सही जगह आ रहे हो. रूम्स काफ़ी मतलब प्यारे हैं, ठीक है थोड़ा सा छोटा है, एंड आई अंडरस्टैंड कि इतने साफ नहीं होते. वन थिंग आई वॉन्ट टू शो यू, ये एक हैक है, तुम ट्राई करना. दिस इज द सम पैडिंग आई हैव पुटन ऑन माई वॉल्स, ये मतलब एक वॉल पेपर टाइप ऑफ कुछ है, ये मैंने एज अ पैडिंग लगा रखा है. ये काफ़ी मतलब स्मूथ कर देता है एंड यू कैन जस्ट लाइक लाई डाउन ऑन द वॉल, तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा पीछे एंड ये तुम्हें हर्ट नहीं करता. सो इट्स अ हैक, अगेन कॉलेज लाइफ हैक्स पे चलती है. जैसे मैंने बताया कि पैडिंग लगा लो, एक वॉलपेपर लगा लिया, पानी की बॉटल रखो, और बाकी हैक्स तुम जानते हो यार, मतलब कॉलेज में बेसिक हैक्स चलते हैं, इन इसके थ्रू तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हो. यहाँ पर एक और चीज़ है, हाइजीन का ध्यान रखो, क्योंकि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉलेज में और स्टूडेंट्स नहीं ध्यान देते. सो एक लास्ट चीज़ जो बच गई दिखानी, विच इज़ दिस पिक्चर. दिस पिक्चर इज़ ड्रॉन बाय माई फ्रेंड, और आपको पता होगा इफ़ यू हैव सीन माई H1 का वीडियो, सो उसमें भी मैंने मेंशन किया था उस बंदे का नाम. सो दिस इज़ द पिक्चर ड्रॉन बाय द सेम गाय. सो यप, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. एंड इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने वीडियो में एक हिंट दिया था दैट आई देर इज़ अ प्रोजेक्ट ऑन विच आई एम वर्किंग अपॉन. सो दिस इज़ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ, आई एम नॉट किडिंग गाइज, एंड आई श्योरली टेल यू इन थोड़े टाइम के बाद, जैसे ही उसमें कुछ प्रोग्रेस होता है आई इन्फॉर्म यू एंड शो यू what's that thing is. तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना है, तो सब्सक्राइब कर लो. एंड अगर आपको कुछ स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ वीडियोज चाहिए या कुछ इन जनरल चीज़ें चाहिए, तो जस्ट टेल इन द कमेंट सेक्शन. ब्लॉग्स अगर चाहते हो तो जस्ट वो भी बताओ, आई ट्राई टू मेक मोर ब्लॉग्स. सो यप, दिस इज द एंड. एंड जो भी डाउट्स है या कोई कुछ पूछना है, जस्ट आस्क इन द कमेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो बाय फॉर नाउ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.